गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज आज जा रहा हूँ मैं नाना नानी के घर। तो अभी इंडिया जाने का टाइम हो गया तो इसलिए आज मिलने जा रहा हूँ नाना नानी के पास। और मेरे नाना नानी का जो घर है वो दरुंगा पड़ता है, तो उस तरफ एक कालिका का मंदिर है, तो काफ़ी फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे भी जाता हूँ, वो भी कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी जब पहुँचूंगा तो मिलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। पापा जी और ये मेरे नानू बैठे हैं और इधर बड़ी बजाई है मेरी नानी, और इधर हम बैठे प्रसाद खा रहे हैं। यहाँ पे पूरी बनी हुई है और इधर बनी हुई थी करेले की सब्जी, इसलिए मैंने नहीं खाई, मेरे को करेला नहीं पसंद बिल्कुल भी। करेले अच्छा हो रहा है? कड़वा रहे? और नानू बात कर रहा है। वैसे गाइस मेरे नाना की दो रानी है, ये बड़ी वाली एक छोटी वाली है, ये भी नानी है, छोटी नानी। नानी इधर देखिए, नानी इधर देखिए। गाइस ये मेरी बड़ी नानी है, एकदम हेलो करो बजे, ये था हेलो करना यहाँ कर दिया, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे एकदम सैवेज नानी है ये, बड़ी नानी है। वैसे मैंने बताया था मेरे नाना की दो रानियां हैं, अभी एक छोटी वाली उधर है, छोटी नानी, उनसे ही मिलवाऊंगा अभी। अब जा रहे हैं मंदिर घूमने हम लोग, काफी अच्छा मंदिर है ये। गाइस मेरे नाना नानी का घर है ये घर, और इस तरफ किचन है ये पूरा, अभी तो धूप में शायद दिख नहीं रहा होगा सही से। और इधर पहले बुल रखे हुए थे दो खेत जोतने के लिए, और इधर है गाय बकरे पता नहीं कहाँ गए, और ये नाना नानी की मुर्गियाँ। कुछ ऐसा है घर गाइस, ये घर के पीछे नाना ने ये सिर्फ अकेले ये मंदिर बनाया, देखो अकेले मंदिर बनाया ये घर के पीछे, सोचो अकेले इतना बड़ा मंदिर बनाया। अभी रास्ते में रुक गए, यहाँ पे वॉलीबॉल मैच चल रहा है स्कूल का, वही देख रहे हैं क्या मस्त शॉट मारा। ये यहाँ का नानी के घर के इधर का स्कूल है, तो यहाँ बच्चों का मैच चल रहा है स्कूल का। फाइनली पहुँच गए दरलम महाकाली भगवती मंदिर, काफ़ी पुराना है, और इसके ठीक बाहर देखो इतनी बड़ी क्रेन रखी हुई है, बहुत पुरानी हो गई है, इस वजह से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। क्रेन बोलते ना, क्रेन ही था। और ये स्टार्टिंग है एंट्री, अब चलते हैं अंदर। गाइस आ गए हैं मंदिर, देखो कितना सुंदर मंदिर है, बहुत पुराना है, अभी तो बीच में रेनोवेट करा था इसे। अभी यहाँ पे उतार देते हैं बाहर जूते, चलते अंदर, पाँव जल रहे हैं ना। अरे अब तो निकाल दे भाई छाता, ओ भाई वो पाँव जल रहे हैं यार, जल्दी जल्दी चल। मैं हूँ कुछ ऐसा दिखाई देता है इस मंदिर अंदर से। यहाँ पे भी ये यज्ञ करने के लिए हुए, और ये शिवलिंग, और यहाँ पे भी है ऐसे, देखो इसके अंदर किस चीज़ कैसे पास अंदर ये शायद तो सामान रखने का है।
और ऊपर ये क्या है पर बेल ये तो पता नहीं बाबू जिसने रुद्राक्ष का पेड़ नहीं देखा ना देखो ऐसा होता है देखो रुद्राक्ष का पेड़ हाँ शायद कैमरे में दिखे ये देखो छोटे छोटे दिख रहे ये फल जैसे इसके बीच में से निकलता है वो इसका दाना ऐसा होता है रुद्राक्ष का पेड़। फिर टाइम हो गए अब ऊपर की तरफ चलते हैं क्या है यहाँ पे ये है ना रुद्राक्ष ये देखो गाइस ऐसे होते हैं छोटे छोटे रुद्राक्ष ये तो कुए है इसके अंदर ही तो होगा हाँ ये रहा ना दिखाना कैसा होता है अंदर ऐसा जब खोलेंगे गाइस कर लिए मंदिर के दर्शन अच्छे से और वहाँ पे मेरी नानी के भी रिलेशन में मिल गए थे और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पूरे यहाँ पे मैंने अपने गांव यहाँ तक सिर्फ मैंने इधर ही देखा है सिर्फ यहीं पे ही है रुद्राक्ष का पेड़ और कहीं नहीं है तो रुद्राक्ष तो काफ़ी होली मानते हैं हमारे इधर शिव जी को चढ़ाते हैं तो काफ़ी देख के ये भी एक अलग सी चीज़ है कि भाई सिर्फ यहीं पे है रुद्राक्ष का पेड़ देखिए कुछ इस तरीके का फल होता है इसमें से निकलता है रुद्राक्ष ये सुभाष लेकर भी आ गया वॉलीबॉल मैच देख रहे थे वापस से मंदिर आने के बाद फिर बोर हो गए देखते देखते अब घर की तरफ जा रहे और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई सीरियसली हाई गर्मी हो रही है यहाँ पे तो अब नाना नानी को गुड बाय कह के घर की तरफ जा रहे गाइस ये मेरे मामा का स्कूल है देखो इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल है नॉर्थ पॉइंट बोर्डिंग स्कूल यहाँ पे इधर छोटे छोटे बच्चे थे इस तरफ हेलो कर रहे थे मेरे को ये देखो भाई मामा का अपना स्कूल